What's up guys, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे वीडियो के साथ। आज के हम बात करने वाले फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स में टॉप 5 टीम्स टू वॉच आउट फॉर। आज वीडियो का लाइक को रखना चाहूंगा 700 लाइक का, तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाकर लाइक कर दो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर देना। ज्यादा वक्त ज्यादा करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्री फायर प्रो लीग का फंडा बहुत सिंपल है, 12 टीम फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप से इनवाइटेड होके आए हैं और 6 टीम्स एफएफसी मोड से क्वालिफाई होके आए हैं। तो मेरा लिस्ट जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, वहां पे आपको कुछ टीम्स इनवाइटेड में से दिखेंगे और कुछ टीम जहां पे आपको अंडरडॉग्स जो अंडररेटेड जो क्वालिफाई होके आए हैं उनमें से दिखेंगे। सबसे पहली टीम जो मेरे लिस्ट में मैं शामिल करना चाहूंगा उसका नाम है टीजी टाइकून्स। जी हाँ, वो एफएफसी मोड से क्वालिफाई करके आ रहे हैं। काफी समय से ये सारे के सारे प्लेयर्स कम्युनिटी में थे बट कभी लाइमलाइट में आ नहीं पाए थे, बट इस बार उनके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उनके पास सब कुछ है प्रोवाइड करने के लिए, टीमों के वो चैलेंज करने के लिए। तो आई फील टीजी टाइकून्स इज वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स। इस लिस्ट की तीसरी टीम है गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स। जी हाँ, इन्होंने पिछले साल सबको बताया कि अंडरडॉग होके भी ऑफिशियल टूर्नामेंट कैसे जीत सकते हैं। फ्री फायर सिटी ओपन जीतने के बाद से निवेश की टीम ने पीछे घूम के नहीं देखा है और वहां से आगे बढ़ते ही गए हैं। हालांकि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब भी ऑफिशियल टूर्नामेंट के फाइनल पे क्वालिफाई करते हैं थोड़ा बहुत पैनिक कर जाते हैं, बट उनके पास सब कुछ है इस साल प्रोवाइड करने के लिए और 2022 का शुरुआत फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स जीत के ही करना चाहेंगे। सब लोगों का एक ही गोल होगा कि फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स में जीत हासिल करो ताकि पूरा साल उनका अच्छा जाए। तो इसीलिए गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस एफएफपीएल विंटर्स। मेरे लिस्ट की दूसरी टीम है कैमिन ईस्पोर्ट्स। जी हाँ, इन्होंने भी ओजी की तरह ही हर टूर्नामेंट में कंसिस्टेंसी बरकरार रखा है। हालांकि पिछले साल के आखिरी हाफ के तरफ उनका टॉप 5 का जो एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखने का एक मोमेंटम था वो उनसे हट गया। हालांकि अब सब लोगों को पता है कि वो एक कंट्रोवर्सी से गुजर रहे थे, उस वजह से उनके पास वो मेंटल पीस एंड खेलने लायक मेंटालिटी ही नहीं था, बट अब उनके साथ सब कुछ है, लोकल टूर्नामेंट उन्होंने जीत भी हासिल किया है एंड आई फील कैमिन ईस्पोर्ट्स आल्सो वन ऑफ द टीम टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स। इस लिस्ट की चौथी टीम है टोटल गेमिंग, यस द डिफेंडिंग चैंपियंस। पिछले बार फ्री फायर प्रो लीग समर्स में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जीत पाएंगे, बहुत ही भाई ने इस टीम को जीत दिलाया, वहां से टोटल गेमिंग ने 2021 में पीछे घूम के नहीं देखा है। अब बारी आती है 2022 की फ्री फायर प्रो लीग विंटर से शुरुआत करने की एंड आई फील टोटल गेमिंग ने जो दो दो प्लेयर्स को हायर किया है, हाँ रोहित इस बार प्रो लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे बट ड्रेगो, माफिया बाला, फौजी अजय एंड डिलीट के होते हुए प्रो लीग उनके हाथ से वो जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए टोटल गेमिंग इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स। इस लिस्ट का पांचवा टीम है ओरांगोटांग लीड। यस, हर टूर्नामेंट में चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर ऑफिशियल हो, हमेशा टॉप 5 में एंट्री मार जाते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मंत्र उनके पास जरूर से है। तो 2022 का शुरुआत भी वो एक हाई नोट से करना चाहेंगे। पहले आप लोग ये कह सकते थे कि वो ऑफिशियल टूर्नामेंट में अच्छा तो खेलते बट जीत नहीं पाते थे, बट उन्होंने पिछले साल एफएफआई से जीत के वो जंजीर तो तोड़ ही दिया है, वो मिथ को तो हटा ही दिया है। अब उनके पास सब कुछ है तो वो फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स में जीतना जरूर से चाहेंगे एंड वो भूखे शेरों की तरह घूम रहे हैं। मार्क माय वर्ड्स गाइस, ओजी लीड इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स। तो ये थे मेरे टॉप 5 टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स। एक मिनट, हर बार की तरह मैं बोनस तो लेके आने ही वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो आज का बोनस क्या स्पेशल होगा? बिल्कुल होगा, फ्री फायर प्रो लीग है, ऊपर से साल का पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट है, तो बोनस में मैं दो टीमों को शामिल करना चाहूंगा, विच इज देसी गेमर्स एंड गेम ब्रदरहुड। यस, देसी गेमर्स को आप किसी भी टीम के लिस्ट में से हटा नहीं सकते क्योंकि इनमें वो कमबैक करने का क्षमता है। ऑलरेडी उन्होंने काफी बार प्रूव कर दिया है कि वो कहां से कहां कमबैक कर जाते हैं, हालांकि 7वीं-8वीं पोजीशन पे होते हैं और पुयास निकाल के पोजीशन निकाल के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए देसी गेमर्स इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर एंड इस बार उनके पास वो अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स जीतने के लिए। एंड केएम ब्रदरहुड टीम फ्रॉम नेपाल, उनके बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स कप हो चाहे एफएफसी मोड हो फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स का, वहां पे दोनों जगह पे उन्होंने नेपाल में डोमिनेट किया है एंड यहां पे भी अब डोमिनेट करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए केएम ब्रदरहुड इज आल्सो वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर दिस फ्री फायर प्रो लीग। उनमें वो रॉ टैलेंट है, वो अग्रेशन है और हमें पता है रॉ अग्रेशन वाली टीमों का क्या हशर होता है, हमने ऑलरेडी पीवीएस को देख लिया कि उन्होंने क्या किया था एफएफआईसी में। मुझे ऐसा लग रहा है केएम ब्रदरहुड वो टीम बन सकती है जो पीवीएस बनी थी एफएफआईसी में। तो फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स में केएम ब्रदरहुड आल्सो वन ऑफ द टीम टू वॉच आउट फॉर। ये वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा कि यहां पे 18 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लीग स्टेजेस 8 तारीख से लाइव जाने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस लिस्ट में वो आए नहीं है, मतलब वो जीत नहीं सकते, सारे के सारे टीम्स डिजर्विंग है इसीलिए उन्होंने वहां पे जाने का वो क्षमता रखा है। सो आई फील सबके लिए ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स कौन जीत पाता है। वैसे जाते जाते आप लोगों का टॉप 5 भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग
लोगों ने आपके टॉप फाइव में कौन कौन सी टीम को रखा है। तो ये थे मेरे पांच टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स और साथ में दो बोनस आप लोगों के लिए। तो जरूर से ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ड्रॉप करते, मैंने पहले बताया 700 लाइक का गोल है और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड स्टे सेफ गाइस।